जो हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो योजना है केंद्र सरकार की, उन योजनाओं को हम धरातल तक पहुंचाने का काम करेंगे। पहली प्राथमिकता यह होगी। उसके बाद में जो कांग्रेस सरकार ने जिस तरह से एक झूठा वादा करके जो सरकार में आई थी, किसानों से झूठ बोला, हमारे विद्यार्थी है उनसे उन्होंने झूठ बोला, युवाओं से के साथ छलावा किया बेरोजगारी भत्ता का, लेकिन उन्होंने एक भी कार्य नहीं किया, बल्कि जंगल राज ऐसा मचाया, भ्रष्टाचार ऐसा किया है कि जो आज राजस्थान का हर वर्ग प्रताड़ित है। इन्होंने महिला अत्याचार और दलित अत्याचार राजस्थान को नंबर वन पे ला दिया है। इसलिए मैं चाहूंगा कि हर वर्ग के लोगों को, हर वर्ग के साथ मिलकर और उनके उत्थान के लिए काम करें, विशेष तौर से दलित और महिलाओं के लिए और उत्थान का काम करें, ये हमारी प्राथमिकता है। सर, कोई रोड मैप बनाएगा? अभी तो हमें हमारी जो केंद्र सरकार की योजना है जिन्होंने ये डंप कर दी है, इन्हें पिछले 5 साल में इन योजनाओं को नीचे अंतिम छोर तक ले जाने का काम करेगी। देखिए, एक बड़ा सवाल ये भी आ रहा है कि कुछ योजनाएं हैं गहलोत सरकार की, पूर्व की गहलोत सरकार, क्या उन्हें जारी रखा जाएगा? ऐसा है, उनकी योजनाएं केवल नाम बदलने की योजना चली है, न कि काम करने की। उनका कोई धरातल पे काम हुआ नहीं है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसकी जब भी सरकार राजस्थान में रही है या किसी भी जगह रही है तो हमेशा जो कहा है वो करके दिखाया। देखिए, ओपीएस उनकी नई योजना थी, ऐसा प्रचारित किया गया था, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? ओपीएस में उन्होंने किया क्या अब तक बता दो, वैसी की वैसी। क्या केंद्र की एनपीएस वापस से लागू? उनकी योजना देखेंगे, उन्होंने किस तरह से क्या किया, निश्चित रूप से दिखा। एक सिंगल रूम पे ले लू साहब, क्या प्राथमिकता रहेगी, थोड़ा विस्तार से बता दें, क्योंकि अब आपने पदभार भी ग्रहण कर लिया है और शपथ आपकी हो चुकी है, पहली बड़ी प्राथमिकता क्या रखेंगे आप? पहली बड़ी प्राथमिकता बता रहा हूँ ना, जो हमारे केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को अंतिम छोर के व्यक्ति तक, हर वर्ग के, हमारी योजनाएं प्रधानमंत्री ने बहुत सारी चला रखी है, उन योजनाओं को धरातल तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, ये हमारे रुकावट आई है। निश्चित रूप से इनको पहले हम धरातल तक पहुंचाएंगे। अभी डिपार्टमेंट तय होना बाकी है, फिर भी निश्चित रूप से जो भी डिपार्टमेंट मिलेगा उसमें बखूबी से ईमानदारी से काम करेगा। पिछले 5 साल में जिस प्रकार से आपने आरोप लगाया, दलितों पे अत्याचार बढ़ा, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा, अब आप क्या चाहेंगे? बिल्कुल, इनके पास, इस सरकार के पास कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ये अपनी कुर्सी के खींचातानी में रहे हैं। निश्चित रूप से हम अब दलित उत्थान और महिला अत्याचार पे विशेष तौर से काम करेंगे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।